ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में, जो यूपी पुलिस वाला केस है, उसमें मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की बेल दे दी है। सांकेतिक तौर पर जुबैर का केस मजबूत हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको उन्हीं धाराओं में बेल दी है जिन धाराओं में दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में यहां पर उनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है। जुबैर को सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, तो मोहम्मद जुबैर के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। आप जानते हैं कि कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की सीतापुर पुलिस की हिरासत में भेजा था। जुबैर पर आरोप था कि उन्होंने बजरंग मुनि को नफरती बताया था, जिसने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात कही थी। उसी मामले में जुबैर को जमानत मिल गई है और यूपी की पुलिस को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार के पीछे ना सिर्फ इस देश की सरकार पड़ गई है बल्कि कई भाजपा शासित राज्यों की पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए बेताब पड़ी है। जैसे मानो मोहम्मद जुबैर पत्रकार ना होकर बहुत बड़ा माफिया हो, जिससे कई राज्यों की कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो। पहले दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और किसी और मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। उसके बाद इस पूरे मामले में बैंगलोर की पुलिस आ जाती है। बैंगलोर और दिल्ली पुलिस के बीच जुबैर को लेकर खींचतान चल ही रही होती है कि इन सब के बीच यूपी पुलिस आ जाती है और एक मामले में सीतापुर कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को पेश किया जाता है, जहां कोर्ट मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की पुलिस की हिरासत में भेज देती है। लेकिन आज मोहम्मद जुबैर के लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सीतापुर के एक महंत हैं जिनका नाम है बजरंग मुनि। उन्होंने खुलेआम सड़क पर निकलकर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात कही थी। उसी बजरंग मुनि की वीडियो को ट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर ने बजरंग मुनि को हेट मोंगर बता दिया था। मतलब मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात करने वाले नफरती महंत को नफरती कीड़ा बता दिया था। इसी मामले में सीतापुर की पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा है कि महंत बजरंग मुनि एक धार्मिक गुरु हैं, उनके लाखों चाहने वाले हैं। ऐसे में मोहम्मद जुबैर उन्हें हेट मोंगर बताकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि महंत के चाहने वाले सड़क पर उतर जाएं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। जबकि मोहम्मद जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मोहम्मद जुबैर इस बात को मान रहे हैं कि ये ट्वीट उन्होंने ही किया है और उन्होंने नफरत फैलाने वाले बजरंग मुनि या यति नरसिंहानंद की वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें बेनकाब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के सुनने के बाद मोहम्मद जुबैर को सशर्त 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान मोहम्मद जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे और वो दिल्ली छोड़कर भी नहीं जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को जमानत जरूर मिल गई है, मगर वो अब भी जेल में रहेंगे क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जुबैर को राहत दे दी है और अब सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश जुबैर के लिए आसानी पैदा करेगा। जब दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद दिल्ली की एक अदालत मोहम्मद जुबैर को आगे कोई फैसला सुनाएगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट की वो जमानत याद रहेगी। लेकिन एक बात तो अब साफ हो चुकी है कि किसी भी तरह से सरकार जुबैर को जेल में रखना चाहती है, क्योंकि जिस बजरंग मुनि ने मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात कही थी वो जेल में होने के बजाय जमानत पर घूम रहा है। लेकिन मोहम्मद जुबैर को किसी भी तरह से जेल में रखने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।